इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जिसमें आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर 200 तक का वर्क सिर्फ 2 सेकेंड में। तो इसको कैसे निकालते हैं 1 से लेकर 200 तक का वर्क सिर्फ 2 सेकेंड में, आओ चले सीखते हैं। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो सिर्फ 2 सेकेंड में, और अगर आपने 10 से लेकर 19 तक के स्क्वायर याद कर लिए तो आप 100 से लेकर 200 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो सिर्फ 2 सेकेंड में। तो आप देखो कैसे निकालते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालना, अब वो भी कितने सेकेंड में, सिर्फ 2 सेकेंड में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप केवल 2 सेकेंड में 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर, और फिर यहाँ से 10 से लेकर 19 तक के स्क्वायर याद होने पर आप 200 तक के स्क्वायर सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आइए चलिए सीखते हैं। तो पहला है, देखिए मुझे निकालना है इसमें से, देखिए तो किसी का स्क्वायर, जैसे मैंने मान लीजिए 12 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो ट्रिक क्या, जरा समझेंगे, बहुत आसान ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना है 04, और उसके बाद इधर वाला नंबर है उसका भी स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर क्या 01। फिर आपको क्या करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 1 की 2 से करेंगे, 1 दूनी 2, और उसे डबल कर देना है तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां लिख दीजिए, जोड़ दीजिए इसको, ये आंसर आ गया। और देखिए दूसरा 15 का स्क्वायर, तो ध्यान समझना, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होगा जरा बताइए 25, 1 का वर्ग 01, 1 की 5 से गुणा करेंगे 5, उसको डबल कर दीजिए 10, तो आ दीजिए 225। अब देखिए किसका निकालना, आपको निकालना 19 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना कैसे निकालेंगे, 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 01, 1 की 9 से गुणा करेंगे 9, उसको डबल कर दीजिए 18, लिखिए यह आया आंसर 361। अब देखिए आपको निकालना, मान लीजिए 39 का स्क्वायर, 1 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम 2 सेकेंड बस। अब देखिए 9 का वर्ग करेंगे 81 और 3 का वर्ग 9, अब क्या करना 3 9 27, 27 को डबल कर दीजिए 54, यह आया आंसर 9 5 14 1521। अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ 59 का स्क्वायर, देखिए 59 का स्क्वायर निकालना सिर्फ 2 सेकेंड में, तो क्या करना है 9 का स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 9 45, 45 2 90, 1 अंक छोड़कर लिखना है इधर से, इधर से 1 अंक छोड़कर, जरा ध्यान देंगे 1 अंक छोड़कर लिखना है इधर, तो कितना हो गया 8, 9 5 14 4, 3 34 81। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब निकालना है, मान लीजिए 69 का स्क्वायर निकालना, तो देखिए जरा ध्यान देंगे 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, 6 9 54, 54 का डबल कर दीजिए कितना हुआ 108, 1 डिजिट छोड़ कर लिखना है 1 8 8 16 6 7, यह आया देखिए 47 61। अब देखिए 99 का स्क्वायर निकालना, 1 सेकेंड या मैं क्यों 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने वाला, तो 9 का स्क्वायर होता है कितना हो गया 81, फिर 9 का 81, 9 की 9 से गुणा करेंगे 9 9 81, और 81 को डबल कर दीजिए कितना आएगा 81 का डबल, देखो 9 9 81, 81 2 से गुणा करेंगे 2 1 2 2 8 16, 162, तो कितना आया 1 8 2 इसका 0, 6 1 7, और 1 8, और ये 900, तो 9908। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 100 तक का जो स्क्वायर है विद इन 2 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ 100 से लेकर 200 तक के स्क्वायर निकालना अगर आपने 10 से लेकर 19 तक के स्क्वायर याद कर लिए, तो चलिए सीखते हैं। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए आंसर मिलाने के लिए, कैलकुलेटर से भी तेज आप स्क्वायर कर सकते हो 1 से लेकर 200 तक का। तो अब मैं आपको स्क्वायर सिखा रहा हूँ 100 से 200 के बीच में, इसके लिए आपको याद होना चाहिए 9 से लेकर 19 तक के स्क्वायर, और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ 105 का स्क्वायर, देखिए ध्यान देंगे रूल्स वही है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 10 का स्क्वायर 100, अब आपको करना क्या 10 5 50, 50 को डबल कर दीजिए 100, यहाँ लिख दीजिए ऐसे और जोड़ दीजिए आ गया 11,225। अब देखिए किसका निकालना, आप मान लीजिए आपको निकालना 122 का स्क्वायर, तो क्या करना रूल्स वही है, 2 का वर्ग बताइए 4, 2 डिजिट में लिखना है, 12 का 100
44, एक अंक छोड़कर लिखना, 12 दूनी 24, 24 को डबल कर दीजिए 48, उतार लीजिए, देखिए आया, ये आ गया 14,484। अब देखिए 145 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान देंगे क्या करना है, 5 का वर्ग 25 और फिर 14 का वर्ग बताइए, देखिए यहाँ से 14 का वर्ग कितना, 196। ठीक, अब क्या करना, 14 पंजे 70, 70 को डबल कर दीजिए 140, आप नीचे उतार दीजिए, देखिए आने वाला आपका आंसर 10 अरे 11, ये आ गया 21,025 आंसर आ गया। आप देखिए 199 का स्क्वायर जरा समझेंगे तो क्या करना, 9 का स्क्वायर 81, 19 का 361, 19 9 171, 171 की 2 से गुणा करेंगे आएगा 342, कितना आएगा 342, अभी जोड़ दीजिए 8 2 10 का 0 4 1 5, अरे 6 और 6 3 9 और ये 39,601, ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने में मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे वो भी इसको सीख सकें और आसानी से 1 से लेकर 200 तक का वर्ग आसानी से निकाल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।